हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सीखेंगे सर्विस पीआर क्रिएट करना इन एसएपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉग इन योर एसएपी आईडी विद यूजर एंड पासवर्ड। देन आफ्टर यूज टी कोड ME51N ऑल वर्ड। देन एंटर, सेलेक्ट सर्विस टाइप, सर्विस पीआर हम बना रहे हैं, सर्विस पीआर। देन आफ्टर ए, हेल्प पार्टी ए इंडिकेटर के नीचे लेते के हाईलाइट होता कॉल सेंटर, और आई इंडिकेटर के नीचे डी, डी से हाईलाइट होता सर्विस। देन शॉर्ट टेक्स्ट हम क्या करा रहे हैं, प्रिंटर आर रिपेयर। देन क्वांटिटी एक प्रिंटर रिपेयर करा रहे हैं, एनवाइस नोज में, और मटेरियल ग्रुप हमारा रहता है SCR में सर्विस। देन आता प्लांट, हम सपोज करो हमारा प्लांट रहता है 17। देन और परचेज ग्रुप होता है क्रिएटेड IT, जिस भी डिपार्टमेंट का है वो आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन कौन डाल रहा है, फिशर, ठीक है। देन एंटर, उसमें टैब में आ जाएगा ऑटोमेटिक। देन आफ्टर वही आप जो कर रहे हैं बिल की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी वन नोस, हम यहाँ पे प्राइस, एक प्राइस कितना है प्रिंटर का प्राइस, रिपेयर का कॉस्ट। अगर यहाँ पे दो है क्वांटिटी तो एक से टू कर दे मल्टीप्लाई, वो आगे अपने आप नेक्स्ट कर देता है। एंटर करेंगे, अब या तो जेल अकाउंट, जेल अकाउंट आप हेल्प में जाकर सर्च कर सकते हैं। IT स्टाफ जो आप सेव करते हैं, उसमें हमारा क्वेश्चन तो है 61, अपनी चेक करा देता हूँ। सर्विसेज कर सकते हैं, ये रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर अंतर बताएगा, और यहाँ पे कॉल सेंटर 27। सभी का अपना अपना कॉल सेंटर जिला अकाउंट होता है, जिसमें उसमें खर्चा वो करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा आपको। ये इन्फॉर्म टैक ले लूँगा मेरा कॉल सेंटर। देन आफ्टर एंटर, ठीक है। और आपको अगर कुछ और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं कौन से डिपार्टमेंट का है, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट में लिख सकते हैं, और सपोज करो कि आपने कहा टेफ्लॉन उसके बाद यहाँ चेक करेंगे। जो आपका यूजर क्रिएट हो गया, आपका सर्विस एंट्री ओके, नो में से इशू ड्यूरिंग चेक, मतलब आपने जो पीआर क्रिएट की वो ओके, उसमें कोई एरर नहीं। उसके बाद जैसे आप सेव करेंगे तो एक आपको ये पीआर नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है सर। ठीक है फ्रेंड्स, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पीआर का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।